चौधरी साहब, कल राजपाल बालियान जी आए थे जो गठबंधन से प्रत्याशी हैं, तो किस तरह का आशीर्वाद रहा है और आगे क्या रहेगी? एक तो बताओ, यहाँ तो पहले से हर पार्टी का आदमी आवे और कल राजपाल बालियान जी को सिंबल मिला तो यहाँ से किसान भवन में आए तो हम तो सभी आशीर्वाद दे, हमें तो कोई ऐसी वो नहीं है। बातचीत हो सके थोड़ी घनी, कुछ हमारे मुँह तो भी निकल गई होगी बातचीत, पर हमें ज़्यादा नहीं पता था। वो संयुक्त मोर्चे का, किसान संयुक्त मोर्चे का एक वो है, एक प्रतिबंध है, उसमें किसी को किसी भी पार्टी को कोई समर्थन नहीं है। सब आशीर्वाद है, आशीर्वाद टिके साहब भी देते हैं पहले से, और यहाँ से जो कोई भी आओगा, कोई किसी पार्टी का हो, वो तो जनता पर निर्भर है। हम तो बचाव ही रखेंगे इसमें, हमारी कोई ऐसी वो नहीं है बातचीत। सब आशीर्वाद है, सब हम तो यही कह पाए अपना शांति के उस चुनाव लड़ो, अपना ठीक रहे बात। ठीक है साहब, हमने कल उसमें ये भी कहा गया कि बहुत सीधे आदमी है, एयरपोर्ट सीट है, इसका ध्यान रखना है विशेष तौर से। नहीं ऐसा सीधा कहना गलत थोड़ा है, किसी को अच्छे आदमी है राजपाल बालियान, ठीक है, हाँ बढ़िया है। तो वो तो जनता चुने, जनता की वो है बातचीत। हम वो तो टिकट मिल गया ना, संयुक्त मोर्चे को टिकट मिल गया तो ठीक है बातचीत। तो हम तो इसमें थोड़ा सा वही रखते हैं भाई, इब जो भाजपा वाले आ गए या बसपा वाले आ गए, उन्हें थोड़ा निकाल लिया जाएगा। तो हम तो सब एक नजर तो देखेंगे, वो तो जनता चुनेगी, जनता की है बातचीत। चौधरी साहब, से बड़ी बात यह है कि सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी तो घोषित कर दिया, लेकिन अभी तक मैनिफेस्टो जारी नहीं किया है। नहीं उसमें देखो होगी बातचीत, उसमें घोषणा पत्र क्या है उनके, क्या उनकी वो है बातचीत, ये तो ली जाएगी। ये तो बहुत जल्दी से इसी में हो रहा, बड़ा जल्दी में चुनाव की तारीख डिक्लेयर होगी और इसमें मारामारी हो रही भाई, पर्चों पर मारामारी हो रही, कौन कहाँ थे, किस पार्टी थे, कौन वो, तो इसमें देखो होगी बातचीत करेंगे इसमें भाई, किस पार्टी का क्या घोषणा पत्र है, क्या किसान हित की मजदूर हित की बात है, तो उनके बारे में बाद में सोची जाएगी। तो ठीक है साहब, समझ लीजिए दिल का आशीर्वाद है, वो आपने मतलब राजपाल बालियान को दे दिया दिल से जो आशीर्वाद दिया। नहीं एक तो है भाई किसान भवन में वहाँ से चौधरी चरण सिंह की मूर्ति है, टिके साहब की समाधि भी है, टिके साहब की मूर्ति भी है, तो वहाँ तो कोई भी आवे, हम किसी की सभा में थोड़े जाएंगे या किसी के उसमें जाएंगे, जो वहाँ से कोई आवे कोई तो सब है, चाय पानी जो कुछ भी यहाँ से बने, किसी भी पार्टी का हो तो आगे भी यही होती रहेगी बातचीत। किसी का कोई वो नहीं है बातचीत, हमारी तरफ तो नहीं, जनता कुछ ही चुनो कुछ ही वो हो, हमारे पर जिम्मेदारी है, एक जो एक बंधन है SKM का, किसान संयुक्त मोर्चे का, तो उसमें हम उससे बाहर नहीं जा सकते। अगर अगर भाजपा प्रत्याशी भी आशीर्वाद लेने आता है, आवेंगे आ रहे हैं, आ तो आप अगर अगर भाजपा प्रत्याशी भी आशीर्वाद लेने आता है, आवेंगे आ रहे हैं, आ तो आप वाले भी आए, बसपा वाले भी आए और भी आओगे, तो उन्हें क्या वो थोड़ा होगा, उनके साथ भी वही वही अच्छा व्यवहार होगा, वही खाने पीने का चाय पाने का वो होगा। जो घर आओगे तो हम किसी की सभा में नहीं जाने के, कुछ नहीं हुए। कल तो आपने भावुक होके बहुत मतलब इशारा कर ही दिया लगभग भावुक होके। नहीं तक तो भाई हमें भी नहीं था भाई, संयुक्त मोर्चा है ठीक है बातचीत, तो ऐसी कोई वो नहीं है बातचीत, तब तो बात हो भी जा और बजी बाहर है यहाँ से और हम ही क्या कहते, तो ऐसी कोई नहीं है बात। अकबर उसमें कोई हम ये भी तो पर्चा भी नहीं भरा गया, कुछ नहीं किसी की वो नहीं बात, ये भी तो उठने पड़े उठ के भी 25-26 दिन रह रहे उठ पड़ने के भी। अच्छा तो जो इफेक्ट पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में पड़ेगा या पूरे उत्तर प्रदेश में पड़ेगा जो जो आपने कल कही है? भाई देखो उसमें क्या वो पड़े क्या नहीं हो सके बातचीत, हमें भी तो ये जो 13 महीने तक ये आंदोलन चल रहा, तो हमें तो बहुत आगे लोग की देखनी, पिछले उसमें हमने जो भाजपा को समर्थन दिया था वो भी हमारी भूल ही रही, इस तरह के हम वो नहीं भूल नहीं करने के, इलेक्शन तो आते जाते रहे, जो एक इसका भारतीय किसान यूनियन का अस्तित्व है, संयुक्त किसान मोर्चे का एक वो है बातचीत, एक बंधन है, तो उस तक हम बाहर नहीं जा सकते, जो वो संयुक्त किसान मोर्चे की वो है बातचीत भाई, मैं कुछ भी निर्णय ले सके, हमारे पर भी ऑब्जेक्शन था सके भी, तो हमें क्यों उस मौके करें। कल तो हमने बंधन से ऊपर जाके वोट तो बोल दिया था, इतने कहाँ बोल देते, हम वहाँ से आ रहे थे, कह देते सर तक मैं क्या कुछ ऐसा इतना
हमारे पास इश्तेहार है, हम कुछ कह ही नहीं सकते। ऐसा तो जनता की बात है भाई, अपने केले की वो है, हमने केले नो ले लिया और हमने आगे उसमें सुधार कर लिया, हम आगे कोई ऐसी बात नहीं करने के। धन्यवाद। जो संयुक्त मोर्चे से कुछ हम हटकर नहीं बात करने। खैर टिकट तो एक को ही मिलना था, हम तो यही कहे भाई अच्छी तरह से इस चुनाव को लड़ो, आप लोगों को भी प्रतिष्ठा की बात है, या सीट ऐतिहासिक सीट है, इसे बहुत उस तरह लोगों को आपको जिताना बहुत ज्यादा उत्सुक है। आपस के आजो आगे आजो, चौहान साहब आगे आजो, चंदन चौहान आजो आगे आजो, मंच में आजो आगे। हमारे गठबंधन के दूसरे उम्मीदवार जो वहां से मीरापुर से है, मीरापुर से चंदन चौहान चौधरी, आजो यहाँ संजय चौहान जी के लड़के एमपी साहब के, आजो आजो जी, आजो। चलो नमस्ते नमस्ते चौहान साहब भाई, वहां से भी जहाँ किसी की रिश्तेदारी हो कुछ हो सभी वहां से भी मीरापुर में भी मंडो टिकट, और इस पर भी सारे को गठबंधन को जहां से जिसकी भी हो बातचीत भाई, आप लोगों की परीक्षा की घड़ी इस गठबंधन तक बगल जो कोई भी जाए उसे कुसा मंदरा मंत्र जो कुछ भी तरीका अपनाना हो रिक्वेस्ट का ही है, और तो कुछ नहीं, और तो हाँ और तरीका तो कुछ नहीं होता, सब अच्छा व्यवहार सारे को काम आवे और बड़े अच्छे तरीके से सब है मनाने की बात है, और इस गठबंधन को सफल बनाओ। जय हिंद जय भारत। सुन लो ऐतिहासिक प्रांगण, बड़े बड़े आंदोलन इस जगह ने देखे, इस प्रांगण ने देखे, बालियान जी ने बताया भाई कभी किसी जमाने में टिके साहब ने भी यही ना वो दिया था, आशीर्वाद दिया था। चलो मैं तो आज नहीं रहे, बड़ा संघर्ष था इस सीट पे, बड़े उतार चढ़ाव हो रहे थे, नहीं लेट हो रहा था मामला, तो हम तो यही कहे वह जो है जिम्मेदारी चौधरी राजपाल सिंह को बालियान जी को मिली, ठीक है सब अपने ही आदमी अपने ही उम्मीदवार थे, सब सभी कोशिश करे, इनमें हमारी बहन अनुपमा भी थी, वीरेंद्र गोड़ा, सोमपाल भोरा, यशपाल सोरम, विनोद मलिक, उनका घर है, उनका स्वागत होगा उनका। उमेश मलिक जी कह रहे हैं हम भी आशीर्वाद लेना होंगे, घर है उनको, क्या है बातचीत, सब पहले नहीं आए हुए भाई, ठीक है किसी के साथ में वही तो है बातचीत, थोड़ा ही है पारिवारिक व्यवहार है। तो भी राजपाल बालियान जी आए थे, और कोई गया नहीं, राजपाल बालियान भी आ, चंदन चौहान भी आ, अशरफ भी आ, पंकज मलिक भी आया।